हाँ तो बच्चों आइए डीबीएस के इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 में हम पढ़ रहे हैं अवकलन, और अभी तक हमने इनवर्स पे डिस्कस किया और इनवर्स पे आपका टॉपिक चला है। आगे आइए चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो अवकलन में ही अगला टॉपिक जो हम पढ़ने चलेंगे, आप देखेंगे कि 5B खत्म होने के बाद हमारा 5C कल हुआ था। 5C में हमने आपको होमवर्क दिया था कुछ क्वेश्चन बता के, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने किया होगा। जो क्वेश्चन बचे हैं उसमें आगे मैं कुछ और क्वेश्चन को आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे आपने लगाया होगा तो आया होगा, एक क्वेश्चन है दसवां 5C का। आइए बेटा दसवां क्वेश्चन करते हैं। तो 5C का दसवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, और क्वेश्चन है टैन इनवर्स एक्स बाई ए वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस टैन इनवर्स एक्स बाई ए। हमें बेटा इसका अवकलन करना है, कह रहा है x के सापेक्ष, है ना। हमने आपको पहले बताया है कि जब भी इसका अवकलन होगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, तो आपका पहले पूरे फलन का अवकलन होता है। सबसे पहले क्या होगा, पूरे फलन का अवकलन। तो डी डी एक्स ऑफ आपका यहाँ tan इनवर्स x बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए, और इनटू कौन बच रहा है, पूरे का हो गया फिर इतने का होगा, यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस डी डी एक्स ऑफ यानी यहाँ प्लस टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। अब आप देखेंगे इसका जब हम अवकलन करेंगे बेटा पूरे का, इसलिए इस क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि लंबा होने की वजह से बच्चे सोचते हैं कि हो सकता है ये ना हो के कुछ और हो, तो ऐसा नहीं है। जो आपको नियम बताया गया है सब उसी नियम पर ही क्वेश्चन लगने हैं, ठीक है। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या बताया था हमने, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मतलब ये पूरा, तो एक्स बाई ए प्लस टेन इनवर्स एक्स बाई ए, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। इनटू जब इसका अवकलन होगा तो एक्स बाई ए का अवकलन, एक्स का एक तो यहाँ 1/a बचेगा, प्लस टेन इनवर्स एक्स बाई ए का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसी को बेटा और आगे हल कर सकते हैं, तो 1/1 प्लस एक्स बाई ए और प्लस टेन इनवर्स एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इंटू यहाँ 1/a प्लस ये ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस यही छोड़ दीजिए बेटा, आपका यही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 हो गया, 11 तो चलिए देख लेते हैं, 11 को भी आप देख लीजिए। वैसे करने को तो कर सकते थे, अगर किए होंगे आप तो आ जाएगा, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। आइए देख लेते हैं बेटा 11 नंबर, लेकिन अब ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बताना क्योंकि आगे भी चलना है, ठीक है। तो आप भी मेहनत करते रहिए। 11 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, हमारा बता रहा है, ये दिया है कि साइन इनवर्स अंडर रूट में 1-x प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट में x। अब आप इसका जब अवकलन करेंगे y बराबर है ये, तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर इसका अवकलन होगा तो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट में 1-x प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन कॉस इनवर्स अंडर रूट में एक्स। आपको पता है बेटा कि जब अवकलन करते हैं तो एक बार इस पूरे का अवकलन 1/ अंडर रूट में 1-x का स्क्वायर यानी कर्णी में 1-x का होल स्क्वायर होगा,
फिर इनटू इसी में इसका औकलन जब होगा तो 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स, आपको बताया हूँ रूट में जो होता है उसका औकलन 1/2 उतना हो जाता है, और जब माइनस एक्स का औकलन होगा तो यहाँ माइनस वन भी आएगा, ठीक है। और इनटू प्लस करके कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपान 1 माइनस अंडर रूट में x का स्क्वायर यानी कर्णी में x का स्क्वायर और इनटू कर्णी x का औकलन 1/2 कर्णी में x। आप इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं तो 1 अपान माइनस माइनस 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस, ये कर्णी हट जाएगी वर्ग होने पर, 1 प्लस x हो जाएगा और इनटू 2 रूट में 1 माइनस एक्स और फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ ये गुणा होगा तो 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स और 2 आगे रहेगा और एक ब्रेकेट में कर्णी में अंडर रूट एक्स, 1 1 कट गया तो आपका माइनस 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अंडर रूट में एक्स और फिर माइनस 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स। आपको पता बेटा दोनों चीज़ें सेम है और माइनस में है तो जुड़ जाएंगी, यानी माइनस 2/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स, 2 से 2 कट गया तो माइनस 1/2 आपका आएगा अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, या इसी को लिखा जा सकता है माइनस 1/2 अंडर रूट में एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है, नियम पे ही आपको चलते जाना बेटा। अब बराहवा लगा लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बताया गया है। 13 आइए बताते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन में log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, 13 नंबर में दिया गया है log तेरहवां क्वेश्चन हमारा है log साइन इनवर्स x का स्क्वायर इंटू cos cot इनवर्स x स्क्वायर इंटू ये ब्रैकेट में है log साइन इनवर्स x स्क्वायर ये ब्रैकेट में है फिर इंटू cos cot इनवर्स x स्क्वायर। आपको बेटा पता है इसमें 2 पद हैं तो ddx ऑफ y बराबर ये पहला पद ये दूसरा पद, तो आपका प्रथम पद यानी log साइन इनवर्स x का स्क्वायर इंटू ddx ऑफ दूसरा पद यानी cos cot इनवर्स x का स्क्वायर फिर प्लस दूसरा पद यानी cos cot इनवर्स x स्क्वायर इंटू ddx ऑफ log साइन इनवर्स x का स्क्वायर, ठीक। यही तो फार्मूला है, प्रथम पद गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन। अब अवकलन करते हुए ध्यान दीजिएगा कि log साइन इनवर्स x का स्क्वायर गुणे, अब इसमें अवकलन क्या क्या होगा, cos x का अवकलन क्या होता है इंटू में माइनस साइन cot इनवर्स x का स्क्वायर फिर इंटू cot इनवर्स x का अवकलन क्या होता है माइनस 1/1 + x² तो इंटू माइनस 1/1 + x² का स्क्वायर मतलब ये फिर इंटू फिर एक बार इसका होगा x स्क्वायर का अवकलन 2x। यही बेटा ध्यान देना कितने पद हैं उन सब का अवकलन होना चाहिए। इसमें लिख लीजिए पहला cos cot इनवर्स x स्क्वायर इंटू इसका अवकलन करिए तो log x का अवकलन होता है 1/1 पहले हो जाएगा साइन इनवर्स x स्क्वायर
फिर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का होगा 1/ अंडर रूट में 1 - x^4 ना एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। अब आइए देखते हैं पूरे में कुछ कॉमन तो नहीं है ना। टू एक्स कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में 2x कॉमन हो सकता है हमारा। तो 2x को माइनस के साथ कि प्लस के साथ, प्लस 2x को बाहर ले लेंगे, यहाँ ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा बेटा log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू बाई, ये बाहर हो गया कॉमन होके, 1 + x^4। फिर हमारा प्लस, इसमें क्या बचा है, कॉस कॉट इनवर्स एक्स का स्क्वायर। हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ लॉग वाले का हुआ 1/ इतना, फिर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का 1/ अंडर रूट माइनस, हाँ ठीक है, इंटू 2x। अब ये बच्चा कितना है, कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर ऊपर 2x बाहर चला गया, अपान साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू 1 - यहाँ एक्स पावर, यही होगा है ना। अब इसी में आगे कुछ गुणा भाग करके तो हल करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए देखिए बेटा, दिया गया है यहाँ ई पावर ए एक्स साइन इनवर्स बी एक्स, ये तो लगा लेना चाहिए आपको, पहला दूसरा पद पर ही डिपेंड करेगा ये भी क्वेश्चन। आइए देखते हैं, कौन सा 14 नंबर दिया है, y बराबर e पावर ए एक्स साइन इनवर्स बी एक्स। ठीक, जब इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ आपका इसको पहला इसको दूसरा, तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर ई पावर ए एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स बी एक्स प्लस द्वितीय यानी साइन इनवर्स बी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स। आप इसका जब अवकलन करेंगे तो बराबर ई पावर ए एक्स साइन इनवर्स बी एक्स का क्या हो गया, 1/ अंडर रूट में 1 - b² x² और बी एक्स का अवकलन बी होगा है ना, प्लस आपका यहाँ साइन इनवर्स बी एक्स डी डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स का एक बार ई पावर ए एक्स और ए एक्स का अवकलन क्या हो जाता है a ना, जितने पद होंगे सबका आपका दोनों में ई पावर ए एक्स कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा b/ अंडर रूट 1 - b² x² और प्लस a साइन इनवर्स बी एक्स। ठीक, इसका ये आंसर हो जाएगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं, आप नियम पर चलते रहिए तो क्वेश्चन में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, 15 नंबर sec इनवर्स और साइन इनवर्स में दिया है, तो आइए देखते हैं बेटा 15वां क्वेश्चन हम लोग। क्लास चलती तो और बढ़िया रहता, 15 नंबर sec इनवर्स 15वां क्वेश्चन, y बराबर sec इनवर्स x + 1/x - 1 प्लस साइन इनवर्स
एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन। आपका देखिए बेटा इसको हल करना है, ठीक है, तो सेक इनवर्स है इधर एक चीज बेटा यहाँ हो सकता है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर हम y बराबर इसको बना लें cos बनाए तो cos इनवर्स उल्टा हो जाती है, ये कोण उल्टा हो जाएगा, ये x धन एक लिख सकते हैं, और प्लस साइन इनवर्स x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा है कि उसमें क्या नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ चुके हो ना, 11 में या 12 में ही फर्स्ट पेपर में था, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई टू के होता है ना, याद है साइन इनवर्स x मतलब यहाँ y बराबर साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, यानी जब दोनों कोण बराबर होते हैं तो उसका मान पाई बाई टू होता है, यानी इसका अवकलन जब होगा तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर इसका अवकलन जीरो आएगा बेटा। अरे क्यों बताया तो गया है आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इन कास इनवर्स वाई है ना, इसका मान पाई बाई टू होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स का, तो जब पाई बाई टू होगा तो आपका ये हो सकता है जीरो आंसर आएगा, खत्म हो गया। आगे दिया रूपांतरण, क्या दिया गया है रूपांतरण, रूपांतरण का मतलब है कि रूप बदल कर अवकलन करके तब जाके पुनः उसी रूप में ले आना, यानी हमने अभी एक क्वेश्चन इस पे लगाया अभी तक पीछे, जैसे दिया गया बेटा बहुत आराम से समझना आपको, कोई परेशानी पूरे अवकलन में नहीं होगी ये मेरी गारंटी है, केवल आप ध्यान से करेंगे तो। आइए देखिए बेटा कह रहा है रूपांतरण, रूपांतरण क्या है, पहला एग्जांपल आइए देख लेते हैं कि वाई बराबर टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही क्वेश्चन दिया है ठीक। आपको रूपांतरण में पता ही है रूप बदलना, अब डीवाई बटे डी एक्स ज्ञात कीजिए, निकालना है डीवाई बटे तो डी डी एक्स ऑफ वाई, पहले आप ध्यान दीजिए ये पूछा है कि डी डी एक्स ऑफ वाई निकालिए, यही निकालिए, रूपांतरण मतलब एक बार इस रूप को थोड़ा सा बदलने की कोशिश, तो बदलना क्यों है क्योंकि क्वेश्चन आसान करना है, तो आपको पता है हमने पीछे लगाया था इस पे क्वेश्चन कि अगर यहाँ मान लिया जाए, माना एक्स बराबर क्या टेन थीटा, ये मान सकते हैं आप, आइए बेटा मान लीजिए, तो डी डी यहाँ पहले लिख लीजिए वाई बराबर मान रख दीजिए तो टेन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि वाई बराबर टेन इनवर्स ये टेन टू थीटा हो जाएगा, टेन से टेन क्या हुआ कट गया, y बराबर टू थीटा, अभी इसका अवकलन मत करिए, अब थीटा का मान यहाँ से आप निकाल लीजिए तो थीटा बराबर टेन इनवर्स क्या हो जाएगा x के ठीक। जब टेन इनवर्स x हो गया तो यहाँ y बराबर टू टेन इनवर्स x रखेंगे तो आप डी डी एक्स ऑफ y, क्योंकि dy बटे डी एक्स कहा था तो टू इंटू डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x आपका सीधे क्या हो जाएगा बराबर 2 अपान 1 प्लस एक्स का, इसी को रूपांतरण कहते हैं। क्या हुआ एक बार हमने रूप बदला उसके बाद हम वहीं पहुंच गए जहां से चले थे ना, एक्स के फॉर्म से क्वेश्चन था वहीं से हम आए थे थीटा में बदल कर, अपना काम हमने कर लिया फिर हम आगे कर लिए, आप देख सकते हैं सिंपल सा क्वेश्चन और आपका आ गया, इसी को बेटा क्या कहेंगे रूपांतरण, हेडिंग दिया था इसलिए उसके बारे में भी एक बार बता दिए। अब इस पर कोई भी क्वेश्चन हो आप तुरंत समझेंगे क्वेश्चन और उसके बाद लगाएंगे, जैसे देख लीजिए अब दूसरा तो एकदम सेम ऐसे ही है, तीसरा एक एग्जांपल देखिए आप और उसके बाद प्रश्नावली पर चलते हैं। तीसरा कह रहा y बराबर tan इनवर्स, ध्यान दीजिए बेटा कितना सही जुगाड़ इसमें यही है रूपांतरण में कि छोटा हो जाएगा, y बराबर
वाई बराबर दिया है टेन इनवर्स कॉस एक्स, तीसरा एग्जांपल वाई बराबर टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स। सारे बच्चे सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन में कि हम कैसे रूपांतरित करें कि हमारा काम हो जाए, है ना। आपकी किताब में कॉस पाई बाई टू वगैरह का मान निकाल के दिया है बेटा, हम उससे नहीं करेंगे। आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे और किया जा सकता है। तो वाई बराबर टेन इनवर्स क्या किया जा सकता है, कॉस एक्स का एक फार्मूला होता है शायद, कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। ये किस रूल से हो रहा है, कोई बच्चा अगर दिक्कत है वो पूछ सकता है। ये हो रहा है कॉस टू थीटा के फार्मूले से, और यहाँ हो सकता है वन का मान कॉस स्क्वायर थीटा वाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाई टू और प्लस साइन टू थीटा का फार्मूला टू साइन थीटा वाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। आइए देखिए बेटा, किताब का भी देख लीजिएगा, हमारा भी देख लीजिए। वाई बराबर टेन इनवर्स आपका ऊपर वर्गांतर का फार्मूला बनेगा, तो एक ब्रैकेट में कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू और दूसरे ब्रैकेट में कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू आपका होल अपान, ये क्या बना है यहाँ से, ये क्या बना है आपका टेन इनवर्स के साथ रहेगा पूरा है, ये है कॉस थीटा वाई टू प्लस साइन थीटा वाई टू का होल स्क्वायर। आप जानते हैं प्लस वाले से एक पावर क्या होगी, कट जाएगी। तो हमारे पास बच गया वाई बराबर टेन इनवर्स, ऊपर नीचे बेटा इस माइनस बचा ना, कॉस थीटा वाई टू जब हम कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा वाई टू बाहर आएगा, बचेगा वन माइनस टेन थीटा वाई टू और पूरे का बाई, यहाँ भी कॉस थीटा वाई टू वन प्लस टेन थीटा वाई टू। अब आपको जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे अच्छे होंगे, सॉरी सॉरी ये थीटा नहीं सब एक्स ही रहेगा ना, क्योंकि एक्स था, यक्स है तो यक्स ही रहेगा। ये कहाँ से वो फार्मूला लगाते लगाते ये लिख दिया गया, ऊपर भी यक्स नीचे भी यक्स रहेगा, ठीक। अब यहाँ भी यक्स ही कॉमन हो रहा है, यहाँ भी यक्स, यहाँ यक्स हो रहा है, समझ में आ रहा है आपका। देखिए बेटा ये कट गया, तो आप लिख सकते हैं वाई बराबर, दिख रहा है ना, वाई बराबर टेन इनवर्स, वन का वैल्यू क्या होती है टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स बाई टू पूरे का अपान वन प्लस, यहाँ वन का इंटू भी कर सकते हैं, टेन पाई बाई फोर, टू नहीं फोर का वन होता है ना, टेन पाई बाई फोर का एक और इंटू टेन एक्स बाई टू आपका। यहाँ लगा देता हूँ जगह कम पड़ने की वजह से, लिख सकते हैं वाई बराबर टेन इनवर्स, ये टेन पाई बाई टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, किसका फार्मूला है टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। ये टेन से टेन क्या हो गया, कट गया, वाई बराबर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू आपका अवकलन कर दीजिए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर इसका डी डी एक्स ऑफ पाई बाई फोर का जीरो और माइनस वन बाई टू, यानी आंसर क्या आ गया बेटा माइनस वन बाई टू, ठीक है, यही हमारा आंसर। आप किताब में भी देख लीजिएगा लगाया है तो किताब में किसी और विधि से लगाया, उसने थीटा को यहाँ से 90 माइनस थीटा उठा करके से, लेकिन हमारा दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब उसके बाद एक चौथा एग्जांपल है, इसमें भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं सीधे प्रश्नावली चल रहा हूँ, हालांकि इसमें भी दिक्कत कोई नहीं है, ठीक। अब देखिए, आइए पचवां छठवां सब ऐसे ही है, आप देखेंगे समझ में आएगा, छठवां बहुत इजी है।
अब आइए एक और देखते हैं, सातवां देख लिया जाए क्या? वैसे लगाया है, यही सेम मैं भी करूँगा, तो ये सब ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा प्रश्नावली की तरफ, है ना। प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन दिया गया है, पांच डी, किस पे? पांच डी। तो रूपांतरण मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो कोई दिक्कत इसको भी लगाने में नहीं होगी, और जहां दिक्कत होती है आप बताइएगा, उसका सलूशन किया जाएगा, ठीक है। तो पांच डी में कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं, फिर आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप उसकी जिम्मेदारी है, होमवर्क करेंगे। पांच डी में जैसे पहला दिया है, पांच डी, ठीक, पांच डी में पहला क्वेश्चन दिया गया है टेन इनवर्स, पहला टेन इनवर्स ए प्लस एक्स बाई वन माइनस ए एक्स। आपको पता है अभी ऐसा क्वेश्चन बताया गया था, केवल यहाँ क्या होता है कि आपको देखना है कि कौन कौन मान माना जाएगा, है ना। तो आप देखिए, घबराने की जरूरत नहीं, ए बराबर मान लिया जाए, क्या माना जाए, ए बराबर टेन थीटा वन, ए तो एक अचर पद है, ए क्या है, एक अचर पद है ना, अचर। आइए उसका भी ऑप्शन देखते हैं, ए है। कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा बेटा, ठीक है, एकदम कंफर्म है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप अपने नियम पर चलिए। आपको पता अगर ए बराबर टेन थीटा वन मान लूँ और एक्स बराबर टेन थीटा टू, तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो नहीं होना चाहिए रूपांतरण करने के लिए, मान लिया ना। अब आइए वाई बराबर टेन इनवर्स, इसमें अगर रख दें तो टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू और होल बाई आपका वन माइनस टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू हो सकता है। आप जब इसका और आगे सॉल्व करेंगे तो वाई बराबर टेन इनवर्स, ये फार्मूला किसका बन गया बेटा, टेन थीटा वन माइनस थीटा टू, टेन से टेन कट गया, वाई बराबर यहाँ से थीटा वन माइनस थीटा टू, दोनों का मान निकालेंगे तो वाई बराबर यहाँ से देखिए थीटा वन बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स ए, और यहाँ थीटा टू बराबर टेन इनवर्स एक्स। क्या सही है? अगर सही है तो हम ले आके यहाँ बिना सोचे रख देंगे, तो tan इनवर्स a और माइनस tan इनवर्स थीटा 2 का मान tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। आपको पता है dx ऑफ y बराबर, ये अचर पद है tan इनवर्स a, अचर पद यानी डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ए माइनस डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ जीरो और माइनस इसका वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ गया आंसर माइनस वन बाई वन प्लस ए, ठीक। आप देखिए कभी भी केवल क्या करना है, आपको हल करना है, सोचना है, नियम पर सही चलना है, बाकी क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक। गर्मी बहुत है बेटा, आइए देखते हैं। अब इसी तरह सारे क्वेश्चन हैं साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। एक और देख लें, आइए देख लेते हैं बेटा, दूसरा साइन में कोई नहीं बताया गया, साइन कॉस के रूप में, इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रूपांतरित करते समय ये ध्यान देना है कि जो इनवर्स में है वो किसी तरह विलुप्त हो जाए, यानी उसको ख़त्म करना है। आइए दूसरा देखते हैं, दिया है साइन इनवर्स
वाई बराबर दिया गया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 4x क्यूब। आपको देखते ही पता हो जाना चाहिए कि यहाँ क्या फार्मूला लग रहा है। ठीक, आइए देखते हैं बेटा x बराबर क्या मान लिया जाए। अगर यहाँ पर साइन इनवर्स को ख़त्म करना है तो माना x बराबर साइन थीटा, क्या सही है? आपका हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आप जब इसको हल करेंगे y बराबर साइन इनवर्स, ये फार्मूला बन गया साइन 3 थीटा का, साइन साइन कट गया तो y बराबर 3 इंटू थीटा का मान वहाँ से साइन इनवर्स x, यानी डी डी एक्स ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा 3 अपान अंडर रूट में 1 माइनस, आकलन कर दिया है ना। तो आपको सारे क्वेश्चन रूपांतरित करके, रूपांतरित का मतलब है कि मान देखकर कि कौन कहाँ जाके किस फार्मूले पर सेट हो रहा है, आप उसको करेंगे तो आपको बेटा किसी भी बिना परेशानी के क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब हम आज मॉक में देते हैं 5 डी, आप लगाइएगा, फिर जहाँ दिक्कत होगी बताएंगे, फिर आगे अगला टॉपिक। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आया होगा और आप मेहनत से घर लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।